हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न टू इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फ्रॉम द थियरी ऑफ प्रोडक्शन और यू कैन से प्रोडक्शन फंक्शन इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अ मेन मोटो नाउ हमारी जो थियरी ऑफ प्रोडक्शन है हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि आइसोकॉन्ट क्या होता है आइसोकॉन्ट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं देन व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट और उसमें जाते जाते हमने आइसोकॉस्ट कॉस्ट लाइन भी सीखा और उसमें हमने चेंजेस भी डिस्कस किया कि अगर आउटले बदला तो किस तरह से आइसो कॉस्ट लाइन आगे पीछे होगी और अगर फैक्टर प्राइस में चेंज हुआ तो कैसे हमारी कॉस्ट लाइन में बदलाव आता है आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस तो ये हमने समझ लिया अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज हम टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज नंबर वन रिज लाइन एंड नंबर टू प्रोड्यूसर्स इक्विब्रेम ये दोनों जो क्वेश्चन हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एफ आई लेवल पे शॉर्ट नोट के फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिज लाइन क्या होता है रिज लाइंस नाउ हर एक प्रोड्यूसर उसका मेन जो ड्रीम रहता है कि ऑलवेज दे वांटेड टू इन्जॉय मैक्सिमम प्रॉफिट हर रैशनल प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं और वो मैक्सिमम प्रॉफिट वो जब वो इन्जॉय करना चाहता है तो ही हैज़ टू सी दैट कि एट विच एरिया आई हैव टू प्रोड्यूस मुझे प्रोडक्शन कैसे करनी है ऐसे बहुत सारे डिसीशन्स प्रोड्यूसर लेता है तो जब भी वो ऐसे डिसीशंस लेता है तो ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस इट्स आउटपुट विद इन द इकोनॉमिक एरिया इकोनॉमिक एरिया यानी विद बिटवीन द रिज लाइन्स तो क्या होता है ये रिज लाइंस नाउ जब हमने कहा कि एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूँ तो वो प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न कर सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी दो कंडीशन पहली कंडीशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज आइसोकॉन्ट जो है इट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो हिस्सा जो है वो ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है कॉन्वेक्स है, वहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लेवल काफ़ी अच्छा होता है नंबर टू कि वो जो एरिया हो आइसोकॉन्ट की इट शुड बी लाई विद इन द रिज लाइन्स रिच लाइंस यानी इकनॉमिक रीजन ये वो एरिया जिसके अंदर प्रोडक्शन करना एक प्रोड्यूसर के लिए पॉजिटिव चेंजेस लाता है क्योंकि रिजलाइंस लाइन्स जो हैं वो एक एरिया सेट करती हैं एक ओल्ड शेप में हम देखेंगे कि रिच लाइन जो हैं वो एक एरिया सेट करती हैं जहाँ पे वी विल सी दैट कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो हमारा इनपुट है इट इज़ ज़ीरो यानी लेबर है उसका भी ज़ीरो दिखता है क्योंकि अगर हम रिज लाइन के बाहर जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एडिशनल आउटपुट जो हमें इनपुट देने वाला है वो ज़ीरो हो जाता है ज़ीरो यानी फ़ायदा ही नहीं है यानी लॉसेस है यानी वहाँ प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो चलो देखते हैं ये क्या होती है रिज लाइंस बहुत आसान है बहुत ईजी है खाली हम सुनने में ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि रिजलाइंस रिजलाइंस को जनरली इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि रिजलाइंस क्या है दे आर द लोकस लोकस यानी ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी जो हमारे इनपुट्स हैं दे आर जीरो अच्छा जनरली हम देखते हैं जो अपर रिज लाइन होती है वो क्या दिखाएगी लोअर रिजलाइन क्या दिखाती है बहुत आसान है इजी है इजिली समझ लेंगे लेट्स सी। अब देखो हमने यहाँ पे दिखाया है सपोज दिस इज द वाई ओ एक्स नॉर्मली एल का फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया अब इसमें मैंने तीन आइसोकॉन्ट ली है तीन आइसोकॉन्ट पहला आइसोकॉन्ट आई क्यू जो हमें दे रहा है हंड्रेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट दूसरा आइसोकॉन्ट है जो आई क्यू हंड्रेड से थोड़ा आगे जा रहा है क्योंकि हमने किया था हायर लेवल ऑफ आइसोकॉन्ड विल शो द हायर लेवल ऑफ आउटपुट जितना आपका आइसोकॉन्ड बड़ा आगे जाएगा उतना उसका आउटपुट भी ज्यादा होगा ये हमने उसके प्रॉपर्टी में पढ़ा है तो आई क्यू टू हंड्रेड इट शोज द टू हंड्रेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट अच्छा थर्ड वन जो आई क्यू थ्री हंड्रेड है ये दिखाता है कि इस आइसोकॉन्ड पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे गेट द आउटपुट ऑफ थ्री हंड्रेड यूनिट लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे प्रोड्यूसर ऑब्जर्व करता है कि देयर आर आफ्टर दैट पॉइंट ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सपोज ए वन ये ए वन है ये दिस इज द सेकेंड पॉइंट दिस इज बी दिस इज ए टू दिस इज़ द थर्ड पॉइंट दैट इज ए थ्री ओके ये तीन पॉइंट है ये ऐसी पॉइंट है जिसके बाद यू विल सी दैट ये जो आपका एरिया है ये जो एरिया है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्योंकि ये अपर रीजन एरिया है ये ऊपर का हिस्सा है यू विल सी दैट इस पर्टिकुलर एरिया के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग यानी जीरो हो रहा है अच्छा जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज ये ए पॉइंट है यहाँ पे ये इस टेंजेंट की फॉर्म में हमें मिलता है क्यों क्योंकि ये कॉन्वेक्स है देखो ये हिस्सा नंबर वन हमने कहा था पहला कंडीशन कि ये इसका क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स देखो ये झुका हुआ हिस्सा है ओरिजिन की तरफ ये भी झुका हुआ हिस्सा है ओरिजिन की तरफ इसका भी ये झुका हिस्सा टर्ड्स द ओरिजिन यानी दिस इज द कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ तो पहला कंडीशन तो हो गया अच्छा यहाँ पे हमें मिल रहा है ए वन पॉइंट यहाँ पे यू दैट इफ यू ड्रॉ अपर पेंडिकुलर लाइन ये टेंजेंट होता है अगेन यू विल सी दैट सपोज यहाँ पे हम ड्रॉ करें सपोज तो अगेन ये भी टेंजेंट लाइन यहाँ में मिल रहा है यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन मिल रहा है ये पैरलर लाइन सी दैट टेंजेंट की पोजीशन दिखाते लेकिन इस ए वन ए टू ए थ्री के बाद जो हमारा कैपिटल है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एडिशनल प्रोडक्ट इट इज जीरो क्योंकि अपर रिजन लाइन जो है जो आपका अपर रेज लाइन है ये देख रहे हैं आप ऊपर का रेज लाइन मैंने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया देखो ये ज्वाइन किया ए वन ए टू ए थ्री तीनों को ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला एक रेड लाइन सिमिलरली आप नीचे देखो क्योंकि ये आई क्यू जो है जो हमने एक आइसोकॉन ड्रॉ किया है ये दो इनपुट यानी दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन से हमने प्रोड्यूस किया है जैसे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई क्यू हंड्रेड इस आई क्यू हंड्रेड पे सपोज ये ए वन है तो इसको हम ले रहे हैं सपोज बी वन ये बी वन है यहाँ पे भी यू विल सी दैट यहाँ पे ये एरिया जो है यू विल सी दैट इट इज़ अ टेंजेंट लाइन अब यहाँ पे भी देखो दिस इज़ बी टू अब यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज टेंजेंट लाइन यहाँ पे भी है सपोज बी थ्री यहाँ पे भी यू विल सी दैट दिस इज़ टेंजेंट लाइन ओके देखो पैरल जा रहे हैं ओके okay? ना ये एरिया पे यू विल सी दैट ये कॉम्बिनेशन किसका है बी वन बी टू बी थ्री तीनों को ज्वाइन किया अगर तीनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपको क्या मिलता है दिस इज द लोअर रिज लाइन ये लोअर रिज लाइन किसका है लेबर का ये अपर रिज लाइन है ये रिज लाइन है दोनों दोनों जो है वो रिज लाइन है ये जो अपर है अपर रिज लाइन ये क्या दिखाता है कैपिटल का यहाँ पे हमें कैपिटल का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखता है और जो ये लोअर है जो नीचे का हमें दिख रहा है दैट इज लोअर ये लोअर रिज लाइन हमें क्या दिखाता है ये हमें दिखाता है लेबर का कॉम्बिनेशन ओके लेबर ना ये दोनों रिज लाइन्स हमने दिखाया इस रिजलाइंस में हमने क्या दिखाया बेस्ट पॉइंट्स को लोकस यानी ज्वाइन किया इसमें हमने दिखाया ए वन ए टू ए थ्री जब इनको मैंने ज्वाइन किया जब इस तरह से हम ज्वाइन कर रहे हैं आप देख रहे हो ओवल शेप मिल रहा है ओके नाउ आफ्टर दिस इस ए पॉइंट के बाद ए टू पॉइंट के बाद ए थ्री पॉइंट के बाद द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज यानी प्रोड्यूसर को कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है सिमिलरली अगर हम नीचे की तरफ आते हैं दैट इज दिस इज द सेकेंड रिज लाइन ये जो सेकंड रिज लाइन है जो हमने तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया B1, B2, B3, B1 के बाद का जो एरिया है यू वेल सी दैट B2 के बाद का जो एरिया है B3 के बाद का जो एरिया है उसमें लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो इसके लिए ये जो एरियाज हैं अपर रिज लाइन एंड लोअर रिज लाइन इनके जो बीच का एरिया है दिस इज द बेस्ट एरिया जिसको पता है हम दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रीजन ये इकोनॉमिक रीजन है इकोनॉमिक रीजन यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर इंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है यहाँ प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव लेकिन जैसे ही हम इस बी वन B3 पॉइंट के बाद जाते हैं तो लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है फ्रेंड्स ज़ीरो और जैसे ही हम ए वन ए टू ए थ्री के बियॉन्ड चले जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बिकम्स जीरो इसके लिए हमने क्या कहा रिच लाइन्स आर द लोकस ये लोकस है। हम ज्वाइन करते हैं ऑफ द पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स आर जीरो ब्लैंक में भी बहुत बार आता है क्योंकि जब हम रिजलाइंस के बाहर देखते हैं तो वो अन इकोनॉमिकल रीजन रहता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को अच्छा फायदा प्रॉफिट नहीं मिलता बट इफ़ द रैशनल प्रोड्यूसर डिसाइड टू प्रोड्यूस इट्स आउटपुट विद इन द इकोनॉमिक रीजन बिटवीन द एरिया और बिटवीन द आइसोकॉन दैट लाइज बिटवीन रिज लाइन अगर वो रिज लाइन के अंदर आ रहे हैं तो हेयर प्रोड्यूसर विल इन्जॉय मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख रहे हो इसके अंदर जो इसका पोजिशन है देखो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आ रहा है दैट इज यू शेप टूवर्ड्स ओरिजिन देन यहाँ पर भी आप देखो आई क्यू टू हंड्रेड दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ये भी ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है एंड अगेन आई क्यू थ्री हंड्रेड में भी ये एरिया जो है दिस इज कॉन्वेक्स टूअर्ड्स द ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ झुका हुआ इसके लिए हमने कहा एक रैशनल प्रोड्यूसर तभी प्रॉफिट अर्न कर सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो क्या कही थी पहली पहली कंडीशन कही थी कि दैट एरिया ऑफ आइसोकॉन्ट मस्ट बी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और दूसरा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स दूसरा ये कि वो एरिया रिज लाइन्स के अंदर हो बस यानी पहला हमने क्या कहा कि आयसोकॉन्ट क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन देखो कितना आसान है और दूसरा हमने क्या कहा कि वो एरिया रिज लाइंस के अंदर होनी चाहिए यानी इस एरिया देख रहे हो ओवल शेप आपको मिल रहा है इस ओवल शेप के अंदर का जो एरिया है ना दैट इज द बेस्ट एरिया ऑफ प्रोड्यूसर वे प्रोड्यूसर कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट ओके ये है रिज लाइंस अच्छा रिच लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिया ओके okay? ड्रॉ कर दिया अच्छा ड्रॉ करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है दोस्तों बहुत आसान है जो आपने यहाँ डायग्राम में दिखाया बस वही आपको लिखना है तो हमने क्या लिखा कि ये वाई ओ एक्स हमने जैसे दिखाया एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं लेबर वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं कैपिटल देयर आर थ्री आईसो कॉन्ट आई क्यू हंड्रेड आई क्यू टू हंड्रेड एंड आई क्यू थ्री हंड्रेड ओके, okay. नाउ अब हम देखते हैं कि इस पे ए वन ए वन जो है इट इज पॉइंट ऑन आई क्यू हंड्रेड ओके नाउ ए वन इज द पॉइंट जहां पे आप यू विल सी दैट इसके बाद बियॉन्ड दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज जीरो अच्छा ए टू ए टू किस पे आपको पॉइंट मिला है इट इज ऑन आई क्यू टू हंड्रेड बियॉन्ड दिस अगेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ज़ीरोन ए थ्री इट इज़ द पॉइंट ऑन आई क्यू थ्री हंड्रेड एंड बियॉन्ड दिस ए थ्री द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होगा जीरो क्योंकि इसके बाद कैपिटल का एडिशनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगा अच्छा सिमिलरली हम नीचे भी देख रहे हैं अच्छा फिर हम लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग ए वन ए टू ए थ्री जब हम ज्वाइन करते हैं ए वन ए टू ए थ्री हमें क्या मिलता है अपर रिज लाइन और इस अपर रिज लाइन के ऊपर आपको क्या मिलेगा एरिया दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ओके यानी ये रिज लाइन जो है वो एक एरिया सेट कर देता है कि यहाँ तक अगर आप पहुँचे उसके बाद आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी ज़ीरो यानी दिस इज द पॉइंट यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ए वन ए टू ए थ्री अपर रिजलाइन क्या दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ज़ीरो सिमिलरली हम यहाँ पे दिखाते हैं व्हेन वी विल ट्राई टू ज्वाइन द पॉइंट्स बी वन बी टू बी थ्री वॉट इट शोज लोअर लाइन इट शोज दैट मार्जनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो आसान है इजी है यानी रिज लाइंस यानी बेस्ट लाइन ऐसी पॉजिटिव लाइन्स जहाँ पे रैशनल प्रोड्यूसर अगर अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है तो ही विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट इस एरिया को हमने दूसरा नाम क्या दे दिया दोस्तों इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक रीजन उसे हम इकोनॉमिक रीजन भी कहते हैं क्लियर तो ऐसा हमें एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट नोट हमें मिलता है एफ आई लेवल पे फ्रॉम द थियरी ऑफ प्रोडक्शन ओके तो उसका मेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आपने उसको समझ लिया कि ऊपर का जो रिज लाइन है यानी बेस्ट लाइन है वो क्या दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी जीरो और लोअर रिज लाइन क्या दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दैट इज ज़ीरो यानी इसके बाद प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूसर नुकसान में जाएगा लेकिन अगर रिज लाइन के अंदर प्रोड्यूस किया जो कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स है टू द ओरिशन और अगर इन रिज लाइंस के बीच में अगर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डेफिनेटली ज्यादा होगा ओके okay? तो ये है रिज लाइंस, जो एक प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में हेल्प करता है ऑन द सिमिलर लेवल यानी इसी सेम थॉट पे एक दूसरा भी शॉर्ट नोट इस थियोरी ऑफ प्रोडक्शन से आपसे पूछा जाता है दैट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इसका दूसरा नाम भी होता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यानी आप हमें बताओ कि एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ एंजॉय करता है अब आप सोचो एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कहाँ इंजॉय करेगा जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम प्रॉफिट ज़्यादा होगा बस यहाँ पे अगर उसको प्रोड्यूसर को ये सब पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं तो बस वहाँ हम कहते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे इन्जॉय करता है तो हमने क्या दिखाया पहले हम उसको समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यानी वो पॉइंट जहाँ पे उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जहाँ पे उसकी कॉस्ट भी कम हो जहाँ पे उसका प्रॉफिट भी अच्छा हो तो एक रैशनल प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेता है ना अब एक रैशनल प्रोड्यूसर कैसे डिसीशन लेता है बहुत आसान है आपके सामने ही मैं आपको दिखाऊंगी और आप ही डिसीशन लेना कि अगर मैं बिजनेस मैन तो मैं किस लेवल पे प्रोड्यूस करूँगा हाँ मुझे आप बताने में हेल्प करना जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने लिया है पहले एक डायग्राम ले लिया ओके okay, फ्रेंड्स अच्छा उस डायग्राम में मैंने लिखा है ए बी इज द कॉस्ट लाइन जो हम थर्ड पार्ट में कर चुके हैं लास्ट पार्ट में सिखा चुकी हूँ मैं आपको बहुत ईजी है कि यू हैव टू सेट अ बजट यानी आउटले आपको एक्सपेंडिचर सेट करना है आपको बताना है कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं तो आपने कॉस्ट लाइन सेट कर दी कि मुझे पर यूनिट जो है वो हंड्रेड रुपीज़ खर्चा करने की कैपेसिटी है ओके okay, आपकी कॉस्ट लाइन नाउ सेट हो गई अच्छा अब उस एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल की ले रहे हैं क्योंकि हमेशा एक प्रोड्यूसर नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है और उस एक्सपेरिमेंट में उसे किस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं फिर वो किस लेवल को एक बेस्ट पोजीशन करके एडॉप्ट करता है एक्सेप्ट करता है आप ज़रूर देखिए नाउ सपोज अभी यहाँ पे उसने ये कैपिटल लिया ये लेबर लिया अब एक कॉम्बिनेशन लेके कैपिटल और लेबर की उसने सपोज एक आइसोकॉन्ट एक डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल का हमने लिया सपोज ये दिखा रहा है आई क्यू ओके आई क्यू हंड्रेड दिस इज द पॉइंट नंबर ए और ये है पॉइंट नंबर बी ओके अब देखो अगर वो ए पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है तो देखो कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम देखो कैपिटल ज्यादा और लेबर कम सिर्फ इतना ही उसका रहेगा अच्छा अगर वो बी पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है तो कैपिटल कम लेकिन लेबर ज्यादा लेकिन आउटपुट कितना है दोस्तों हंड्रेड यूनिट्स बराबर और कॉस्ट वही है जो उसने सोच के रखा है उसी कॉस्ट में अगर कैपिटल ज़्यादा लेबर कम तो ए लेवल पे वो सौ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है और सपोज़ अगर कैपिटल कम वो लगाता है अगर कैपिटल कम बॉरो करता है और लेबर ज़्यादा लेता है तो इस बी पॉइंट पे वो सेटिस्फाइड है ही कैन प्रोड्यूस हंड्रेड यूनिट्स विद द कॉस्ट लाइन ए बी ओके okay? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अच्छा अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करता गया बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं लेबर और कैपिटल आर द बेस्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ अदर बराबर अच्छा उसने इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशंस लिया तो उसी कॉस्ट में सेम कॉस्ट में उसको एक नया कॉस्ट लाइन भी मिला दैट इज आई क्यू टू हंड्रेड अब उसे नए पॉइंट्स मिले एक सी और एक मिला डी ओके okay? अब उसने क्या किया थोड़ा कैपिटल कम किया रिड्यूस किया और लेबर बढ़ा दिया कैपिटल थोड़ा कम कर दिया लेकिन लेबर बढ़ा दिया तो इस सी पॉइंट पे ही इज एबल टू प्रोड्यूस टू हंड्रेड यूनिट्स बट ध्यान दो सेम कॉस्ट लाइन कॉस्ट लाइन सेम है सेम खर्चा उसी खर्चे में अगर वो कैपिटल लेता है थोड़ा कम और लेबर थोड़ा ज़्यादा तो एट पॉइंट सी ही कैन प्रोड्यूस टू हंड्रेड यूनिट्स ओके अच्छा इस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो थोड़ा कैपिटल कम लेकिन लेबर ज़्यादा तो इस डी कॉम्बिनेशन पे वो सेम कॉस्ट लाइन पे ही इज एबल टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स तो बटर नेचुरल देखो जैसे जैसे बिजनेसमैन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है अलग अलग सब्सटीट्यूट लेबर और कैपिटल के बीच में कॉम्बिनेशन लेता जा रहा है तो देखो उसकी इफ़िशंसी बढ़ रही है उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वो सेम खर्चे में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो देखो आपने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो फ़ायदे में गए ना तो हम इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं बिजनेस में ना नए नए एक्सपेरिमेंट करते करते रहते हैं ताकि पता नहीं कैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल एकदम जैक आ जाए और हम वी विल इन्जॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट चलो एक नया एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं एक नया उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उस एक्सपेरिमेंट पे उसने आई क्यू थ्री हंड्रेड ये लिया अब यहां पे उसकी एक पॉइंट आ गई ओके okay. इस पॉइंट पे उसने क्या दिखा दिया आई क्यू थ्री हंड्रेड अब इसको उसने नाम दिया ई दिस इज इक्वेलिबरियम लेवल ये इक्वलिबरियम लेवल है क्यों क्योंकि ये जो आई क्यू थ्री हंड्रेड है ये उसे मैक्सिमम आउटपुट दे रही है एट सेम कॉस्ट वही सेम कॉस्ट लेकिन यहां पर उसने क्या किया थोड़ा कैपिटल कम किया और थोड़ा लेबर उसने बढ़ा दिया यानी दिस लेवल पे यू विल सी दैट ओ एल और ये ओ के ये लेवल उसने डिसाइड कर दिया क्यों क्योंकि इस लेवल पे उसने क्या देखा ये जो आई क्यू थ्री हंड्रेड है ये उसका टेंजेंट पोजीशन पे है दिस इज टेंजेंट पोजीशन ये टेंजेंट पोजीशन पे आ गया और जब वो टेंजेंट पोजीशन है टू तो द कॉस्ट लाइन यानी वो उसे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है फ्रेंड्स जब एक ही पॉइंट पे उसको टच कर रहा है कोई परवाह नहीं भले इसी पॉइंट पे वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ओ एल लेबर ले लिया मैंने ओके okay, सॉरी इस पे ओके okay हमारा कैपिटल और ओ एल इज द लेबर हमने लिया ओके ओके इज द कैपिटल हमने कैपिटल लिया और ओ एल इज द लेबर हमने उसमें लेबर ट्राई करके देखा तो देखो इसको लेने की वजह से हमारा आउटपुट देखो 300 यूनिट्स यानी सेम कॉस्ट लाइन में यानी सेम खर्चे में एक प्रोड्यूसर जब 300 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है यानी कॉस्ट एकदम कम हो गई एकदम लीस्ट हो गई क्योंकि हमने उसी खर्चे में पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए फिर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और अब 300 यूनिट प्रोड्यूस किए यानी मिनिमम खर्चा हो गया क्योंकि कॉस्ट हमने एकदम रिड्यूस कर दी इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर का इक्वलिब्रियम पोजिशन वेयर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर विथ मिनिमम कॉस्ट जहाँ पे प्रोड्यूसर कम से कम खर्चे में मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी और उसे हम ये भी कह सकते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन लेकिन यहाँ पे आपने ये ध्यान दिया कि कॉस्ट लाइन जो था वो आइसोकॉन के साथ किस पोजीशन में था टेंजेंट ये इसके साथ टेंजेंट पोजीशन में इस लेवल पे आउटपुट भी ज़्यादा और यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर एंजॉय कर रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेकिन खर्चा कम यानी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन उसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला यानी यहाँ हम क्या कहते हैं पता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किस किस के बीच में हमने लिया लेबर और कैपिटल के बीच में जब हम कहते हैं लेबर और कैपिटल के बीच में यानी प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है एमआरटीएस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल वो क्या है आप बताओ लेबर में क्या है ओएल यानी ओएल खर्चा हमने इधर किया और कैपिटल पे कितना किया ओके okay. ये है यहाँ पे आपको बेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलता है क्योंकि आपने क्या दिखाया दोस्तों इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दो फैक्टर्स के बीच में लेबर और कैपिटल के बीच में आपने कैपिटल लिया ओके okay, यानी हमने ओ के लेवल पे प्रोड्यूस किया ये जो पोजीशन थी वो कैपिटल की थी ये जो पोजीशन थी वो लेबर की थी ओके क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम एक्स लेबर के यूनिट्स दिखाते हैं तो हमने लेबर लिया ओ एल कैपिटल लिया ओ के दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में मिनिमम कॉस्ट में हमने 300 यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना अच्छा हो गया खर्चा से प्रोड्यूस किया मैक्सिमम चलेगा और इस लेवल पे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट इंजॉय करता है मैक्सिमम सेल भी है मैक्सिमम प्रोडक्शन भी है और उसकी कॉस्ट जो है वो लीस्ट है कम से कम है दैट इज वाई वी से कि प्रोड्यूसर इन्जॉय इक्वलिब्रियम पोजिशन पता है इक्वलिब्रियम किस को बोलते हैं इक्वलिब्रियम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेस्ट क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हाँ इतने कॉम्बिनेशन के बाद फाइनली आई गॉट द सक्सेस चलो अभी तो मुझे सक्सेस मिल गई इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देखा फ़ाइनली आई अचीव द सक्सेस मुझे सक्सेस मिला क्योंकि यहाँ पर सक्सेस हम कब बोलते हैं जब वी इन्जॉय द मोनिटरी बेनिफिट जब मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट कब मिलता है जब एक प्रोड्यूसर कम कॉस्ट इंकर करता है खर्चा कम और आपको प्रोडक्शन मिले ज़्यादा कॉस्ट वही ए बी कॉस्ट लाइन लेकिन इसी ए बी कॉस्ट लाइन में हम सौ यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम दो सौ यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम 300 यूनिट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अच्छा है ना अगर उसी कॉस्ट में मुझे 300 यूनिट मिल रहे हैं तो आई विल एन्जॉय द बेस्ट प्रॉफिट तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट इन्जॉय करूँगा यानी एक रैशनल प्रोड्यूसर ऐसे इक्वलीब्रियम पोजिशन को हमेशा इन्जॉय करना चाहता है तो इसके लिए क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर्स इक्वलीब्रियम कहो या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहो अच्छा जब ये हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम के नीचे का एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है हम क्या दिखाते हैं ए बी इज द कॉस्ट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन विच इज डिसाइडेड एज अ आउटले बाय द प्रोड्यूसर एंड विथ दिस सेम एक्सपेंडिचर अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस हंड्रेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अगर वो पॉइंट ए पे है या बी पे है तो सेम कॉस्ट में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है हंड्रेड ना विद द सेम कॉस्ट अ प्रोड्यूसर कैन आल्सो प्रोड्यूस द टू हंड्रेड यूनिट्स एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी जब वो सी और डी पे है तो वो दो सौ यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस थ्री हंड्रेड यूनिट्स एट पॉइंट ई द आइसोकॉन्ट इज टैंजेंट टू दस्ट लाइन जहाँ पे आइसोकॉन्ट उस कॉस्ट लाइन के साथ किस पोजीशन में है टेंजेंट के पोजीशन में हेयर प्रोड्यूसर इंजॉय इक्विब्रियम पोजीशन एट पॉइंट ई वेयर ओके हमने किस पे इनकर किया कैपिटल पे और ओ एल प्राइस किसको पे किया लेबर को इसके लिए हमने क्या लिखा दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल यानी प्राइस ऑफ़ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल यानी प्राइस ऑफ लेबर क्या है देख रहा है भाई इजी है ओ एल अच्छा प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है ओके तो हमने क्या लिखा ओ एल अपॉन ओके दिस इज द इक्वलिब्रियम प्राइस फॉर अ प्रोड्यूसर जहाँ पे प्रोड्यूसर एंजॉय कर रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट कॉस्ट बिल्कुल कम तो देखो वो तो खुश होगा हो ही होगा तो वहाँ पे वो क्या इंजॉय कर रहा है इक्वल लिब्रियम पोजिशन यानी रिलैक्स दैट इज द रेस्ट पॉइंट फॉर अ प्रोड्यूसर कि इतने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद फाइनली आई गॉट द बेस्ट पोजीशन जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम है लेकिन कॉस्ट जो है वो लीस्ट है दैट इज़ वाई इट इज़ सेट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन तो ये प्रोडक्शन फंक्शन में आपके दो शॉर्ट नोट्स हैं जो जनरली आपको फाइव फाइव मार्क्स के लिए डिमांडेड रहते हैं एट क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें छः आपके पास शॉर्ट नोट्स रहते हैं एंड यू हैव टू राइट एनी फोर शॉर्ट नोट फॉर फाइव मार्क्स ओके तो जिस तरह से हमने ये दोनों शॉर्ट नोट्स देखे जैसे रिजलायंस देखा तो रिजलायंस मीन्स इकोनॉमिक रेसन जिसके अंदर प्रोड्यूसर अगर डिसीशन लेता है तो उसका प्रॉफिट जो रहता है वो बेस्ट रहता है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए दो कि आइसो कॉस्ट जो है वो क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन जो है इट होनी चाहिए इट विद इन द बिटवीन द रिज लाइंस यानी रिज लाइंस के बीच का जो एरिया है इसके अंदर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोड्यूसर हमेशा फ़ायदे में रहता है ओके दोस्तों और यहाँ पर हमने क्या देखा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या एक प्रोड्यूसर का इक्वलीब्रियम जो रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाता है एक प्रोड्यूसर इक्वलिब्रियम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोकॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट लाइन वो आइसो कॉस्ट लाइन और आयसोकॉन्ट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है क्योंकि कॉस्ट लाइन तो फिक्स है ए बी लेकिन एक प्रोड्यूसर अलग अलग कॉस्ट ऐसो को यानी ऐसो क्वॉन्ट को क्वांटिटी को प्रोड्यूस करके देखता है विथ डिफरेंट वेरिएशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर तो उसने देखा सेम कॉस्ट में हंड्रेड यूनिट्स विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एट ए एंड बी पॉइंट सौ यूनिट चलो खुश हुआ फिर थोड़ा वेरिएशन किया फिर उसी कॉस्ट में एट सी एंड डी पॉइंट पर उसने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया फिर थोड़ा शफल किया एट ई पॉइंट ही इंजॉय द मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ पे उसका जो आयसो कॉस्ट लाइन था वो उसके आइसोकॉन के साथ टेंजेंसी के पोजिशन में था टेंजेंट के फॉर्म में था एट पॉइंट ई तो उसको हमने क्या कहाब्रियम लेवल जहाँ पे प्रोड्यूसर फुल्ली सैटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे ओ okay के जो है इट इज द कॉस्ट फॉर कैपिटल ओ एल इज द प्राइस फॉर लेबर दैट विल शो द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एट इक्लेब्रियम लेवल तो हमने क्या कहा इक्वेब्रियम लेवल पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटी इज पी एल यानि प्राइज ऑफ लेबर अपॉन पी के यानि प्राइज ऑफ़ कैपिटल यानि प्राइज ऑफ लेबर क्या है दोस्तों ओ एल प्राइज़ ऑफ कैपिटल क्या है ओके okay. आपका इजिली शॉर्ट नोट कवर हो गया बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था कितना आसान था आपने ये डिसीशन लिया और समझ भी लिया ओके okay, दोस्तों तो जिस तरह से ये दोनों हमने कॉन्सेप्ट को समझा इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय Notes. So, yes, friend, if you like this video, please do share this video with your friends to help them. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.